गरीब अन्न योजना जो चलाई गई थी, उस अन्न योजना के माध्यम से देश में 80 करोड़ लोगों को रोज खाना मिलता था। और अब मेरी परिपेक्ष विदेश नीति के परिपेक्ष से 80 करोड़ जो है ये पूरे यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की आबादी। अच्छा, आप जनधन योजना की बात करें, उसके लाभार्थी जो है करीब 40 करोड़ माने पूरा यूरोप। आपने आवास योजना के बारे में सुना होगा, जिनको घर मिले हैं। अब आवास योजना के घर जो है पूरे देश में करीब 3 करोड़, और हर घर में एवरेज में अगर आप इंडियन फैमिली देखें उसके 5 सदस्य होते हैं। तो 3 करोड़ घर के का मतलब है कि 15 करोड़ लोगों को घर मिला। 15 करोड़ माने पूरी जापान की आबादी। उज्ज्वला स्कीम में 9 करोड़ लाभार्थी, 9 करोड़ माने जर्मनी से ज्यादा, जर्मनी के पॉपुलेशन से ज्यादा। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, मैं इसीलिए बता रहा हूं कि अगर हम लोग भारत में बैठे हैं, अब मुझे पता है कि आपकी पीढ़ी सबसे ज्यादा कनेक्टेड पीढ़ी, और यह स्वाभाविक है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास जिज्ञासा है, आपकी एजुकेशन कुछ अब और आप अलग युग में रहते हैं। पर ये आपकी पीढ़ी को ये भी जानना चाहिए कि आजकल जो भारत में जो परिवर्तन आ रहा है, दुनिया इसको कैसे देखती है, दुनिया की कितनी इंटरेस्ट है, आज जितना रेस्पेक्ट हमें दुनिया में मिलता है ये क्यों मिलता है। इसीलिए मिलता है क्योंकि दुनिया देख रही है कि भारत में सचमुच एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। और ये परिवर्तन जो है, आप अगर सोचें 2014 में अगर मैं आपको कहूं कि भाइयों बहनों आपने उस आदमी को प्रधानमंत्री बनाया है जो पूरे अमेरिका और यूरोप को अनाज दिलवा सकता है, जो पूरे यूरोप को फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकता है, पूरे जापान को घर दिलवा सकता है, पूरे जर्मनी की कुकिंग हैबिट्स को चेंज कर सकता है, पूरे रशिया का इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दे सकता है, तो आप तो कहेंगे कि ऐसा आदमी हो ही नहीं सकता। और वह वो है आज का प्रधानमंत्री।